हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नेगी। आप देख रहे हैं पहाड़ी नेगी ब्लॉग चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज हम जाने वाले हैं ज्योतिर्मठ, जो कि जोशीमठ में स्थित। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हम मार्केट में पहुंच चुके और हमको सामने दिख रहा है ज्योतिर्मठ का गेट। और अब हम आगे की तरफ प्रस्थान को करेंगे। सबसे पहले हमको इस रास्ते में भगवान भविष्य केदार का मंदिर दिखेगा, जो कि भविष्य में हमारा केदार भी माना जाएगा। ज्योतिर्मठ जोशीमठ के भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित एक नगर है, जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। यहाँ 6वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहाँ नरसिंह के सुंदर एवं पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ औली तथा नीति घाटी के सानिध्य के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। शंकराचार्य का मठ को ज्योतिर्लिंग का स्थान माना जाता है। यहाँ कस्बे में वासुदेव का अति प्राचीन मंदिर है, जिसकी मूर्ति सुघड़ और सुंदर है। एक दूसरा मंदिर नरसिंह भगवान का है। मूर्ति आकार में छोटी है, किंतु चमत्कार पूर्ण समझी जाती है। मंदिर के पास ही शंकराचार्य के निवास स्थान की गुफा है और वह केमु वृक्ष की, जहां किंवदंति के अनुसार बैठकर शंकराचार्य ने महान ग्रंथ की रचना की थी। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा है, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिर्मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य आय मात्म ब्रह्म है। ज्योतिर्मठ उत्तरी मठ है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों में से एक मठ है। यहाँ वर्तमान में पूरी गोवर्धन मठ के 145वें शंकराचार्य के रूप में और पूरी गोवर्धन मठ के पाठ 507 ईसा पूर्व में पैदा हुए आदि शंकर 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने सभी 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ 4 गणितों में से एक है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना। संक्रांति शब्द और गणित के ग्रंथों को त्यागते हुए वैदिक सनातन धर्म के प्रवर्तक शंकरा के 4 प्रमुख शिष्यों बृहदपाद, हस्तमलाका, सुरेशाचार्य और तोताचार्य को भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में इन 4 शिक्षण केंद्रों को सौंपा गया था। इन 4 मठों में से प्रत्येक के बाद के नेताओं को गणित के संस्थापक आदि शंकराचार्य के सम्मान में शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। जैसे कि वे 10 नामी स्वामी के नेता हैं, जिन्हें अद्वैत वेदांत की हिरासत माना जाता है। सीखने की ये 4 सिद्धांत सीटें पूरी उड़ीसा, श्रृंगेरी कर्नाटक और द्वारका गुजरात में स्थित है। उत्तर मनाया मठ ज्योतिर्मा शहर में स्थित है। इस मठ के चारों ओर से
हमको पर्वत की श्रृंखलाएं तथा पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं तथा इस मठ के बगल में एक विशालकाय अमरकल्प वृक्ष है जो कई इसी सदी से इस स्थान पर खड़ा है।